हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अब पहले तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि की माँ का आगमन हो चुका है और मैंने भी यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर ली थी। तैयारियाँ करने के बाद कलश स्थापना किया और उसके बाद मैंने दीपक, अखंड दीपक जो है उसको जलाया और उसके बाद हमारी यहाँ पर पूजा जो है हुई और बड़ा ही अच्छा लगता है। मैंने ज्योत जलाया कुछ इस तरह से, आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह से ज्योत जलती है। और अगर किसी प्रकार की कोई अगर बाधा नहीं आती है, कोई काम पे दबाव नहीं है, तो माँ के पास बैठना बड़ा सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। सच में माँ के चरणों में ही जन्नत है। ये चाहे रियल में मेरी माँ हूँ जो हमें इस धरती पे लाए हैं, या फिर चाहे ये जगत माता हूँ, सच में बड़ा ही सुकून देती हैं दोनों माताएं। अगर उनका सर पे हाथ रहता है तो बड़ा सुकून मिलता है, और इनका अगर सर पे हाथ हो जाए तो बिगड़ी से बिगड़े काम भी चुटकियों में बन जाते हैं। सच में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने ये कुछ इस तरह से पूजा किया। पूजा करने के बाद मन करता है इनको बार बार निहारते रहूँ, यहाँ से हटूँ ना, बिल्कुल इनको निहारती रहूँ। बहुत ही मतलब ऐसा लगता है जैसे कि अगर थोड़ी देर के लिए हटते हो ना तो बड़ा तकलीफ़ होता है, लेकिन आप ऐसा कर भी तो नहीं सकते हो। आप कंटिन्यू इनके पास बैठ भी तो नहीं सकते हो, घर के काम, बच्चों का काम, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने आरती किया है वो ज्योति जो है बुझ चुकी है, धूप बत्ती अभी भी जल रही है, जगमगा रहा है। तो इसी बीच में भी क्या हो रहा था, बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी, बार बार आ रही थी जा रही थी। अभी तो फाइनली यहाँ पे लाइट है, अभी तो नहीं गई है। पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा सा अपना बाल वाल सही कर लूँ, और बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं मुझे कि आप अपने बालों को ऐसे कर लो, बाल आपके बहुत अच्छे हैं, आपकी साड़ी अच्छी है। तो आज फाइनली मैं नवरात्रि के दिन आज मैं रंग लगाई हूँ, बहुत दिनों के बाद आज मैं रंग लगाई हूँ, सच बता रही हूँ, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मैं रंग नहीं लगाती थी, टाइम ही नहीं मिलता है, सच बताऊँ टाइम नहीं मिलता है। घर के काम में इतना उलझ गए हैं कि क्या ही बताऊँ, कि खुद के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जा रही है। और मेरी यहाँ पे साड़ी आप देख लीजिए, साड़ी जो है मेरी पीछे साइड में कुछ ज़्यादा ही नीचे है, और नीचे होने की वजह से जब चलिए उलिए ना तो अजीब से लगता है, बड़ी उलझन सी होती है। इस तरह से अगर नीचे साड़ी हो जाए, चाहे पीछे की तरफ चाहे आगे की तरफ, तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने अपनी साड़ी को मैंने सोचा कि पहले इसको हम सही कर लेते हैं। और आप अब ये देखिए, मेरी साड़ी कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गई है। ऊपर हो जाती है तो मुझे नहीं अच्छा लगता, ऐसा लगता है जैसे मैं मुझे साड़ी पहनना आता ही नहीं है, सच बताऊँ, जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है। और ये साड़ी मेरी हल्की येलो और ऑरेंज मिक्स है, लेकिन बट अभी एकदम अजीब से मतलब आ रही है कैमरे में, बहुत अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि इसका जो कलर है वो लाइट में जा रहा है, बहुत अच्छा नहीं कलर आ रहा है इसका। तो फाइनली मैंने अपने साड़ी को पीछे सही किया। अब इसकी बारी आती है प्लेट सही करने की। लेकिन आपको बता दूं एक बात और, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि आप साड़ी बहुत अच्छी पहनते हो, आपके साड़ी ऊपर बहुत ही अच्छी लगती, लेकिन ये मेरे रियल लाइफ में भी ऐसा है। बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि आपके ऊपर साड़ी बहुत ही अच्छी लगती, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी है। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो क्यों लगता है ये मुझे नहीं पता है, और सच में बताऊँ। और मैंने यहाँ पर देखिए आपसे बातें करते करते आपसे मतलब मैंने साड़ी पहन रखी है, साड़ी मेरी मतलब पहन लिया है मैंने, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि साड़ी मेरी कैसे लग रही है। बट थोड़ा सा कलर जो है अलग जा रहा है, बाकी तो साड़ी वैसे ही जा रही है, लेकिन साड़ी मेरी जो है मुलायम है, और मुलायम साड़ियाँ मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत महंगी साड़ी मुझे दे दो, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आती है। क्यों? इसलिए कि ना उसमें ढंग से प्लेट बनेंगे, ना कुछ बनेंगे, सर पे रख लो तो ऐसा लगेगा जैसे कि कहीं के इतना बड़ा सा बोझा रख लिए हो कि क्या ही बताऊं। तो अभी मेरी जो है, मैं पीछे से चेक कर रही थी तो अभी मेरी साड़ी ऐसे लग रही थी कि बहुत ऊपर हो गई है, आगे की अपेक्षा ऊपर हो गई। मैंने फिर सोचा कि नहीं,
बहुत सोचने विचारने के बाद मुझे आलस तो बहुत लगती है भाई, तो फिर मैंने कहा मैं कहीं जा वो तो रही नहीं हूँ और मैं फिर से साड़ी मैं पहनने वाली नहीं हूँ। मेरी सासू जी साड़ी को लेके कमेंट करी थी जब मैं स्टार्टिंग में साड़ी पहनती थी, तो सासू जी बोली कि अरे इतनी देर में साड़ी पहनते हो, और तो क्या क्या उनकी बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, बट उनके कहने के बाद मैं अपनी साड़ी को राइट से लेफ्ट हैंड से पहनने लगी। सच बता रही हूँ, राइट और लेफ्ट हैंड से, क्योंकि मैंने पहले लेफ्ट हैंड पहनती थी और फिर मैंने अपने जब सासू जी की बातें सुनी तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ, तो फिर मैं उसे चेंज करके मैंने राइट हैंड से पहना, और फिर राइट हैंड से जब पहनने लगी तो बहुत ही इजीली था वो, बहुत जल्दी वो प्लेट बन जाता था। मैंने यहाँ पे येलो कलर का ब्लाउज पहन रखा है, तो मैं बस इस साड़ी को अपने सही करूँगी पल्लू को। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये साड़ी आपको कैसे लग रही है, और सच में अगर आप लेफ्ट हैंड से पहन रहे हो तो बिल्कुल भी बंद कर दो, तुरंत बंद कर दो। अगर लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ से अगर आप साड़ी पहनते हो तो तुरंत बंद कर दो। आप राइट हैंड से साड़ी पहनो यानी दाहिने हाथ से साड़ी पहनो, आपको जल्दी से आसानी हो जाएगी। नहीं जैसे मेरी सासू जी बोली थी वैसे ही दिल में चुभने वाली बात आपको लग जाएगी, और मुझे बहुत चुभा था। फिर मैं जब दाहिने हाथ से साड़ियाँ पहनना शुरू कर दी ना तो मुझे आसान भी हुआ। फिर मुझे लगा कि काश अगर सासू जी ने ऐसा ना बोला होता तो शायद मैं ना बदलती, शायद मैं ना बदलती, आज भी मैं वैसे ही पहनती। तो ये होती है, कुछ बातें कड़ू ही लगती हैं बट हमें सिखा के जाती हैं। लोग बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक यू।